आपको विश्वास दिलाता हूँ, भजन करना अच्छा ही अच्छा होगा, 2019 अच्छा अच्छा होगा। इस आखिरी चंद मिनटों के अंदर में अब कोई चिंता मत कर लेना। पूरे साल आपने अपनी चिंता की होगी, लेकिन अगर आधे घंटे भी अगर आपने चिंतन कर लिया तो पूरे 365 अगले 2019 के ये चिंता करेगा। पर मांगना तो धन दौलत मत मांगना, मांगना तो ऐश्वर्य मत मांगना, मांगना तो वो मांग लेना जो बहुत लाखों में कोई एकाध मांगता होगा। आइए बाबा से कहा, बाबा अगर कुछ देना है तो सिर्फ इतनी कृपा कर देना, मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो। बोलो, मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो। भटको नहीं इस जग में, चरणों में ही डेरा हो। भटको नहीं इस जग में, चरणों में ही डेरा हो। ये साधा किसको किसको सच्चा लगता है, किसको किसको? पूरे हाथ उठा लेना, चिंता मत करना, मैं कह रहा हूं पूरे हाथ उठाना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे क्या, मेरे दिल में मनुष्य योनि की तरह उपाधि नहीं दी गई,
आज कलियों के अंदर में साबित करती है कि बड़ों ने जो लिखा मनुष्य ही सर्वोत्तम है वो गलत है। प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो एक जानवर भी इंसान से ज्यादा बढ़िया होता है। मानव का ये जीवन मुश्किल से मिलता है, मानव का ये जीवन मुश्किल से मिलता है, सच संग भजन का दुश्मन मुश्किल से खिलता है, सच संग भजन का दुश्मन मुश्किल से खिलता है, मुश्किल से खिलता है। ये बातें मैं 20 साल के नौजवान भाइयों से कह रहा हूं, 70 साल 60 साल के नहीं कह सकता, उनको नहीं समझा सकता क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं और ये मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जो 20 साल का है, जो 30 साल का है, जो मुझसे छोटा है, मुझे अधिकार है उसे समझाने का इस बात का कि प्रेमियों जो तुम कमा रहे हो ना उसमें तुम्हारा हाथ नहीं है। रोज कुछ ऐसा निकाल दो, रोज कुछ ऐसा निकाल दो जिससे किसी गरीब का भला हो जाए, इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। कोई गरीब 2000 रुपए के लिए किसी का काम अटक रहा है, अगर 2000 रुपये आपने दे दिए ना, डॉक्टर इंसुलिन की डोज क्या कम करेगा, अपने आप डोज कम हो जाएगी। शाम के दरबार में कसम खाकर कहता हूं शुगर की बीमारी नहीं है ना, आजकल इंसुलिन की मशीन कितने की आती है और डोज कितनी महंगी होती है, एक एक पॉइंट 100 में मिलता है ना। अरे 100 रुपया रोज निकाल दो ना, ये समझ के कि इंसुलिन के बदले में किसी गरीब का भला कर रहे हैं। जो 20 साल के नौजवान है 25 साल के, मैं कसम खाकर कहता हूँ थप्पड़ मार देना मुझे, अगर किसी का भला करने पर आपका घोड़ा हो जाए तो जमीन में गाड़ देना, मैं तैयार रहूंगा। लेकिन मुझे मेरे बाबा पर विश्वास है, अगर एक हाथ किसी गरीब की तरफ उठाओगे तो सहस्त्र भुजा वाला ऐसे छतर बनाकर आपके लिए खड़ा रहे। फिर भी वो मर्सिडीज में आया है, पता है क्यों? क्योंकि उसने वही धर्म कर्म किया है। आजकल लोग एजुकेटेड हो गए, एक एक पैसे का मोल तोड़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, एमबीए कर भी लिया तो क्या हो गया, 20 लाख का पैकेज होगा, 25 का होगा, 30 का होगा, अरे 50 का होगा। पचास का पैकेज इनकम टैक्स काटने के बाद में कितना बचता है देख लेना, लेकिन उसके बदले में 24 घंटे सर्विस देनी पड़ेगी। 24 घंटे में 24 पल भी आपके नहीं है, लेकिन यदि यही धर्म कर्म करोगे ना, यदि यही धर्म कर्म रहोगे और 12वीं पास भी होगे ना, तो जो पैकेज एमबीए का है ना उससे 4 गुना ज्यादा कमाओगे। रात को 8 बजे घर में आकर गर्म रोटी खाओगे और सुबह मौज से 9 बजे सोकर उठोगे, ठाकुर के मंदिर में जाओगे, घूमने भी जाओगे, किसी की ठोस नहीं रहेगी।
भजनों की भगियारी मेरा नैन बसेरा हो, भजनों की भगियारी मेरा नैन बसेरा हो। Yeah!
नहीं देंगे। रंगरेज के पास जाते थे रंगाई करने वाला, ए भैया इसका कलर चेंज कर दो, ब्लू रंग दो, पिंक रंग दो, रंगवा कर दोबारा पहनेंगे। आज बाबा से कहा, बाबा ये जीवन मेला हो गया दादा, इससे बड़ी हमारी कहीं नहीं बस सकता, ये जीवन मेला हो गया, किसके पास जाओ, मेरा नाम रेस बस यू ही है। और दुनिया के सारे भाई तेरे आगे ठीक है, जितने बॉक्स लगाए हो कम से कम ऐसा काम तो करो यार। Thank you.
नाटू वाली तालियां बजाओ ना, दोनों हाथों में लाओ। आखिर में क्या कहा, मुझे पागल तुम ऐसे यही सांझ सवेरा हो, किसको किसको समझ में आया? मेरे साज मध्यम मध्यम बजे, माइक में वैसे ही आवाज नहीं है, आप पूरे हाथ उठा, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगा, अगर आपका ध्यान भजन में था तो पूरी ताकत लगाकर दो लाइन लगा देना, कसम से शाम हाथ पकड़ लेगा, पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाएगा। देखिए कुछ गाड़ियां गलत खड़ी है, WB12B1701, WB12AV8199, WB06B9246, WB20G8729, WB08A9730, WB03C3001। जिस किसी प्रेमी की ये गाड़ियां हो हटा लो, वरना हमारे पास ड्राइवर ज्यादा है गाड़ी कम है, वो कल यात्रा में शामिल कर ली जाएंगे। WB07018199246 8729 9730 3001। थोड़ा सा बस और बढ़ा दो, अच्छा थोड़ा सा हुआ है।
जब मुझे 89 में बाबा ने पहली बार खाटू बुलाया, मैं कुछ नहीं जानता था। श्री श्याम कला भवन ने हाथ पकड़ मुझे कर मुझे खाटू दिखाया। उस समय हालात बहुत खराब थे, बद से बदतर हालात थे। निशान लेकर बाबा ने खाटू बुला लिया। मंदिर के शिखर पर निशान, उस समय शिखर पर निशान चढ़ते थे लक्की बाबू डायरेक्ट। अभी भी निशान लेकर जो लोग जाते हैं, एक्चुअल निशान किसे कहते हैं चढ़ाना, पहले निशान कलकत्ता वाले जो पुराने मंडल है सब जानते हैं। भाई बात मत करो भाई, बाबा को निशान चढ़ाकर वहीं पर दंडवत करते थे, और जो निशान चढ़ाने वाले के होते थे उनको दक्षिणा देकर उनके धोख करते थे, है ना। निशान में बंदी मोर छड़ी उतार कर ले आया। चबूतरे पर कीर्तन हो रहा था, यहां पर अखंड ज्योति दूर खड़ा था। मैंने बाबा से सिर देता ही कहा, बाबा मेरे घर आ जाना। बाबा तूने मुझे बुलाया अपने घर पे, अब मैं आपको बुला रहा हूं आपके ही घर पर। कुटिया है, आ जाना बाबा। बस इतना ही कहा। औकात नहीं थी मेरी, जो कभी खाटू नहीं गए ना प्रेमियों, वादा करता हूं 100 रुपया का स्टाम्प पेपर ले आना, सिग्नेचर करके चला जाऊंगा। पहली बार खाटू चले जाना और वहां जाकर सिर्फ इतना ही कह देना, बाबा आपने बुलाया तो आपके दरबार में आ गए, अब एक बार इस गरीब के गरीब खाने में भी आ जाओ बाबा। बस इतना ही कहकर आना, कुछ मैं मांग कर बता। दुनिया बदल देगा, जिंदगी बदल देगा। मैं घर आया, मोर छड़ी लेकर आया। पवन बाबू, पवन जी ना करो ना, माँ ने पूछा बेटा खाटू से क्या लाया। मैंने कहा माँ ये मोर छड़ी मिली। कहते हैं वहां पर लोग कह रहे थे जब मोर छड़ी घूमती है ना तो वारे न्यारे कर देती है। इसको अलमारी में छोटी सी जगह है उसमें रख दे, क्या पता अपनी तकदीर खुल जाए। और कसम से प्रेमी वो मोर छड़ी ऐसी घूमी, ऐसी घूमी कि आंख खुलती है तो सोचता हूं ये कैसे हो गया, आंख खुलती है तो सोचता हूं मेरी जिंदगी में तो ये नहीं हो रहा था। कई लोगों ने मेरी बैलेंस शीट निकाली, 71 दिन तक यात्रा करने जा रहे हैं, इतने रुपये इसने छोड़ दिए। कई लोगों ने पूछा रोज एक कीर्तन का इतना लेते हो, 71 दिन के कितने माइनस हो गए। मैंने कहा पगले, उसने एडवांस में 7 जन्म का दे दिया। तुम मेरी बैलेंस शीट कैलकुलेट कर रहे हो, मैं तो कभी सोचता नहीं। जो पा रहा हूं कोई सेठ 2 महीना का बोनस साल में रोज होकर देता है, ये तो रोज बोनस पर बोनस चढ़ाता जाता है। क्या बोनस? अगर ये जीवन में 71 दिन इसकी राह में पैदल चल पाया तो शायद मेरे 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। इसलिए बाबा आज सीना तान कर कहते हैं, पठारे नाम शिव बाबा पीछा जोरे है।
एकदम छोटा कर देगा और उसके बाद आप सेना डाल कर रहोगे। क्या हाथ उठाओ बताओ तो बाबा मारो तो पर मेरा घुसरे वाला शाम
उठाकर कदम उठाकर हाथ मोड़ लेना अगले 11 से पहले बाबा शायद कृपा करना पूरे हाथ उठाकर पूरी ताकत से लगाकर जोर से आवाज से बोलेंगे बहुत बहुत आभार श्री श्याम मंदिर घुसरे धाम का। और देखिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ भटक रहे हो यार, हर पल तो नया साल मना रहे हैं। श्याम प्रेमी का कोई पुराना साल होता है क्या? होता है श्याम प्रेमी का। सुनो